बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास का बायोलॉजी से। आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है और हम आज बायोलॉजी की डिफिनीशन आप लोगों को समझाएंगे। व्हाट इज़ बायोलॉजी। पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी पर आएं, तो पहले हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी पहले हमें बायोलॉजी को सीखना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। तो मैंने बायोलॉजी के बारे में लिखा है, बायोलॉजी के मैंने तीन डिफिनीशंस लिखे हैं। आपको जो भी डिफिनीशन अच्छा लगे, जो भी डिफिनीशन आसान लगे उसे याद करें आप। मैंने बायो में लिखा है बायोलॉजी में कि बायोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना है, इनमें दो ग्रीक वर्ड्स है, एक है बायो, दूसरा है लोगोस। अब बायो का क्या मतलब है और लोगोस का क्या मतलब है। बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो मैंने लिखा है कि बायोलॉजी कम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स का, एक ग्रीक वर्ड है बायो, दूसरा ग्रीक वर्ड है लोगोस। ग्रीक लैंग्वेज में लोग लाइफ को बायो कहते हैं और स्टडी को लोगोस कहते हैं। तो हमने इस डिफिनीशन को आसान बनाया है इन ग्रीक वर्ड्स का। मैंने इंग्लिश में आसान सा तर्जुमा लिखा है, एक आसान सा डिफिनीशन बनाया उनसे। तो मैंने लिखा है बायोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये सॉरी ग्रीक वर्ड्स की दो लफ्जों से बना है, दो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। तो मैंने लिखा है कि बायोलॉजी इज द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ये दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है। एक है बायो जिसका मतलब है लाइफ, दूसरा है लोगोस जिसका मतलब है स्टडी। तो पहला डिफिनीशन हमारे साथ ये हुआ कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम एक जानदार चीज़ की एक जानदार चीज़ के जिंदगी को स्टडी करेंगे। तो मैंने लिखा है द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। देखिए लाइफ क्या है, लाइफ अगर एक जिंदा जिस्म है, अगर एक जिंदा बॉडी है, अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा है तो वो जिंदगी गुजारेंगे। अगर वो जिंदा नहीं है तो फिर तो इसके साथ जिंदगी का कोई रिलेशन नहीं हुआ। तो मैंने लिखा है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के मुताले को मैं बायोलॉजी कहूँगा। तो दूसरा पे आप लोगों को ये भी समझाऊं कि बायोलॉजी का लफ्ज पहले बार एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसका नाम कार्ल लीनस था। कार्ल लीनस ने ये बायोलॉजी जो टर्म था ये पहली दफा पर इसने लाइफ स्टडी के लिए इस्तेमाल किया। तो बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल लीनस। बायोलॉजी का जो टर्म था, ये जो लफ्ज था, ये पहली दफा स्वीडिश का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लीनस, इसने पहली दफा ये इस्तेमाल किया। अब दूसरा डिफिनीशन मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने कहा द स्टडी ऑफ लाइफ। मैं बायोलॉजी को इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ कि द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। जितनी भी लिविंग थिंग है दुनिया में, जितनी भी लिविंग थिंग है अर्थ के सरफेस पर, जितनी भी लिविंग थिंग है, उन सारे लिविंग थिंग का मुताले को मैं बायोलॉजी कहूँगा, उन सारे लिविंग थिंग्स के स्टडी को मैं बायोलॉजी कहूँगा। तो मैंने लिखा है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी, लिविंग थिंग के मुताले को मैं बायोलॉजी कहूँगा। तीसरा डिफिनीशन कुछ यूँ बनता है, द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है डेट एक्सप्लोर लिविंग थिंग, ये लिविंग थिंग के मुताले को मजीद वसी बनाता है। इस ये बिल्कुल दूसरी डिफिनीशन से रिलेट करता है, ये बिल्कुल दूसरी डिफिनीशन ही की तरह है। उसमें मैंने कहा कि हम उसमें दूसरी डिफिनीशन में मैंने ये कहा कि लिविंग थिंग के मुताले को मैं बायोलॉजी कहूँगा। तीसरी डिफिनीशन में मैंने ये कहा कि ये एक्सप्लोर करता है लिविंग थिंग के मुताले को, मतलब ये वसी बनाता है लिविंग थिंग के मुताले को। तो अब अगर मैं तीसरा डिफिनीशन आप लोगों को बताऊं, द ब्रांच ऑफ साइंस डेट एक्सप्लोर लिविंग थिंग, बायोलॉजी का वो ब्रांच जो लिविंग थिंग को एक्सप्लोर करता है। फिर अब अगर मैं बायोलॉजी को देखूं, बायोलॉजी एक वसी फील्ड है, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसको मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड करूंगा, कुछ ब्रांचेस में डिवाइड करूंगा। पहली
अगर मैं बायोलॉजी को देखूं, इसमें तीन बहुत ज्यादा बहुत बड़ी फील्ड्स हैं। एक है माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा है बॉटनी, तीसरा है बॉटनी। बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जुआलॉजी, बॉटनी, ये तीन हमारे साथ बहुत बड़े फील्ड है बायोलॉजी के। पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि बॉटनी क्या है। मैंने लिखा है बायोलॉजी एज थ्री मेजर डिवीजन। इसके जो बड़े डिवीजन्स हैं ये थ्री है। बायोलॉजी को तीन बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तीन बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी क्या है? बॉटनी बायोलॉजी का वो ब्रांच है, जिसमें मैं जितनी भी प्लांट्स है उनका स्टडी करूंगा। देखिए, मैंने बात की बायोलॉजी की, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में हम बात करते हैं लिविंग थिंग के मुताबिक, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग है उनके स्टडी को मैं बायोलॉजी कहूंगा। लेकिन अब तो दुनिया के ऊपर अगर मैं देखूं, बहुत से ऑर्गेनिज्म है, कितनी स्पीशीज हैं, बहुत ज्यादा स्पीशीज है। इन स्पीशीज को मजीद फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए मैं अलग अलग ग्रुप बनाऊंगा। तो मैंने जितनी भी प्लांट्स है, प्लांट्स का एक ग्रुप मैंने बनाया, उन प्लांट्स के उस ग्रुप को मैंने बॉटनी का नाम दिया। तो बॉटनी बायोलॉजी का वो ग्रुप है, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें मैं प्लांट का मुताला करूंगा। तो मैंने लिखा है बॉटनी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट के बारे में। तो आप ये देखिए, आप द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट का मुताला करते हैं, इसे हम बॉटनी कहते हैं जी। अब है हमारे पास जुआलॉजी, जो कि मेजर डिवीजन के दूसरे नंबर पर है। जुआलॉजी क्या है? मैंने आप लोगों से पहले भी ये बात की कि दुनिया को अगर मैं देखूं, दुनिया के सरफेस पर या दुनिया में जहां भी हो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी को आसान बनाने के लिए मैं इन ऑर्गेनिज्म को एक ब्रांचेस में तकसीम करूंगा, ग्रुप्स में तकसीम करूंगा। अब बॉटनी में जितनी भी प्लांट्स है वो मैंने बॉटनी के ग्रुप में रखे। अब जुआलॉजी है, जुआलॉजी क्या है? जुआलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें मैं एनिमल का स्टडी करूंगा। जितनी भी एनिमल्स हैं उन सारे एनिमल्स को लेके मैं बायोलॉजी जुआलॉजी के ब्रांच में डालूंगा या जुआलॉजी के ग्रुप्स में डालूंगा, फिर उनके स्टडी को मैं जुआलॉजी कहता हूं। देखिए, मैंने जुआलॉजी में लिखा है, जुआलॉजी की डिफिनीशन कुछ यूँ लिखी है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल, जिसमें हम एनिमल का स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल, वो ब्रांच बायोलॉजी का जिसमें हम एनिमल का स्टडी करते हैं, इसे हम जुआलॉजी कहते हैं। अब है हमारे पास तीसरा, जो कि मेजर डिवीजन में आता है, वो है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? मैंने माइक्रोबायोलॉजी में लिखा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुताला करते हैं अबाउट अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। जितनी भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी छोटे छोटे जानदार हैं, उन जानदार का मुताला मैं माइक्रोबायोलॉजी के ग्रुप में करूंगा। तो आप लोगों को एक बार फिर समझाता हूं कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की मुताला करते हैं। वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन, जो कि नहीं देखते हैं विद अ नेकेड आई, आम निगाहों से। तो इसका अगर मैं पूरा मतलब आप लोगों को सिखाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है या वो मेजर डिवीजन में से तीसरे नंबर पर वो ब्रांच है जिसमें हम मुताला करते हैं छोटे छोटे जानदारों के। वो जानदार जो कि आम निगाहों से नहीं देखते, वो हम स्पेशल माइक्रोस्कोप्स के जरिए देखेंगे। तो इस मुताले को मैं माइक्रोबायोलॉजी कहूँगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिखा है वायरस स्टडी मैं माइक्रोबायोलॉजी में करूँगा। बैक्टीरिया स्टडी भी मैं माइक्रोबायोलॉजी में करूँगा। ETC, बहुत से जानदार है जो कि आम निगाहों से नहीं देखते, लेकिन मैं इनका स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में करूँगा। वो मखसूस या स्पेशल माइक्रोस्कोप्स के जरिए वो मुताला मैं करता हूँ। पास
बायोलॉजी, बायोलॉजी का डिफिनीशन और इसके अलावा इनके जो थ्री मेजर डिविजन्स थे। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर टू में, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा 17 ब्रांचेस, जो कि बायोलॉजी के 17 ब्रांचेस हैं। वो 17 ब्रांचेस मैं तो एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो पर बहुत लंबी बन जाती है। मैं 6-6 या 4-4 या 5-5 ब्रांचेस आप लोगों को सिखाऊंगा। इंशाल्लाह 3 वीडियो में वो ब्रांचेस कंप्लीट हो जाएंगे।